अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है एक प्ले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस प्ले है, किंग लेयर। किंग लेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंग लेयर के करेक्टर्स और इसका इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंग लेयर की एक्ट वाइज समरी। लेट्स स्टार्ट। किंग लेयर, सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसका इंट्रोडक्शन। तो जो किंग लेयर है, इसका जो राइटर है वो बहुत ही फेमस राइटर है, इसका नाम है विलियम शेक्सपियर, और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस प्ले है। इसके बाद ये जो प्ले है, ये लिखा गया था बिटवीन 1603 से 1606 के दरमियान इसको लिखा गया, और ये प्ले पब्लिश हुआ था 1608 में। किंग लेयर के टोटल 5 एक्ट हैं। इसके बाद है कि ये जो स्टोरी है, ये बेस कर रही है एक मिथोलॉजिकल स्टोरी पे। अगर हम किंग लेयर की बात करें कि इसका फुल टाइटल क्या है, तो किंग लेयर का जो फुल टाइटल है वो है हिज ट्रू क्रॉनिकल हिस्टोरी ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग लेयर एंड हिज 3 डॉटर्स। ये इस किंग लेयर का फुल टाइटल है। अगर हम बात करें इसके प्लॉट की, तो जो किंग लेयर का प्लॉट है, इस ये पैरेलल प्लॉट है, मतलब कि इसमें दो स्टोरी चल रही है टाइम। एक स्टोरी चल रही है किंग लेयर की उसकी डॉटर्स की, और एक चल रही है अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर और उसके बेटों की। फिर एंड पे आके दोनों स्टोरीज कंबाइन होती हैं, और कंबाइन होके ये फिर एक ही स्टोरी बनती है। ये थे इसके फैक्ट एंड फिगर्स के, कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, फुल टाइटल क्या है, प्लॉट कैसा है, और स्टोरी किसके बारे में है। अब हम चलते हैं इसके मेन करेक्टर्स की तरफ। अगर हम करेक्टर की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास है करेक्टर ऑफ किंग लेयर। किंग लेयर जो है, जैसा कि नेम से जाहिर है, ये किंग है, और ये एक सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। इसकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है गोनरल, दूसरी का है रेगन, और थर्ड का है कॉर्डिलिया। जो गोनरल और रेगन है, ये स्टोरी के स्टार्ट में ही दोनों मैरिड हैं। जो गोनरल है, इसके हस्बैंड का नेम है ड्यूक ऑफ अल्बानी, और जो रेगन है, रेगन के हस्बैंड का नेम है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। इसके बाद जो जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है, तो उस टाइम जो कॉर्डिलिया है, ये अनमैरिड होती है, और ये किंग लेयर की मोस्ट फेवरेट बेटी होती है। और ये बाद में जब शादी होती है कॉर्डिलिया की, तो उसका जो हस्बैंड होता है, उसका नेम होता है किंग ऑफ फ्रांस। ये है किंग लेयर और उसकी बेटियों के करेक्टर्स। अब इसके बाद हमारे पास है ड्यूक ऑफ बरगंडे। ड्यूक ऑफ बरगंडे जो है, ये एक करेक्टर है जो कि चाहता है कि ही वॉन्ट टू मैरी कॉर्डिलिया ड्यू टू हर वेल्थ एंड मनी। उसकी मतलब अमीर होने की वजह से, और चाहता है कि मैं शादी कर लूँ ताकि सारे जो वेल्थ है वो उसके पास आ जाए। इसके बाद हमारे पास करेक्टर है द अर्ल ऑफ कैंट का। अर्ल ऑफ कैंट जो है, ये भी एक किस्म का सर्वेंट है, दरबारी है किंग लेयर का, और ये सिंसेयर है टूवर्ड किंग लेयर। ये उसका लॉयल और सिंसेयर है। पहले हमने बात की थी प्लॉट में कि दो स्टोरीज चल रही हैं टाइम। तो जो फर्स्ट स्टोरी है, उसमें ये करेक्टर्स आते हैं, किंग लेयर, उसकी बेटियाँ, उसके दामाद, और ड्यूक ऑफ बरगंडे, अर्ल ऑफ कैंट। अब एक और जो हमारे पास अलग स्टोरी चल रही थी इस प्ले में, वो चल रही है अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर की। अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर जो है, ये एक करेक्टर है जो कि एक फादर है। इसके दो बेटे हैं, एक है एडमंड और एक है एडगर्ड। एडमंड जो है वो इसका नाजायज़ बेटा है, जबकि जो एडगर है, ये इसका जायज़ बेटा है। इसका जो बेटा एडगर है, उसने अपना जो नेम है वो रखा हुआ है पुअर टॉम। वो चाहता है कि मतलब लोग ना मुझे पुअर टॉम के नाम से बुलाएं, मतलब कि उसने खुद से ही अपना एक नेम रखा हुआ है। इसके बाद ये हो गए ग्लुसेस्टर उसके बेटे। इसके बाद हमारे पास ये करेक्टर है ऑसवर्ल्ड का। ऑसवर्ल्ड जो है, ये सिंसेयर है, सिंसेयर सर्वेंट है गोनरल का, जो किंग लेयर की बेटी थी पहली गोनरल, उसका ये सर्वेंट है, और एक सिंसेयर और लॉयल सर्वेंट है। इसके बाद हमारे पास दो करेक्टर्स और आते हैं इस प्ले में। एक फूल का करेक्टर आता है, और एक ओल्ड मैन का करेक्टर आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस की है सबसे पहले फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ किंग लेयर। उसके बाद हमने देखे हैं इस प्ले के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, किंग लेयर, उसकी बेटियाँ, अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर और उसके बेटे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। थैंक यू।